कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सुपरपोजिशन, राइट। तो सुपरपोजिशन में व्हेन टू वेव्स आर सुपरपोज्ड ऑन व्हेन वन अनदर देन एम्पलीट्यूड ऑफ दिस इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव, राइट ना। और ये क्या हो गया? इंटेंसिटी ऑफ वेव हो गया आपका, राइट। कमाल है यार, ये तो परेशान कर देगा मेरे को। ठीक है जी, ये आपका इंटेंसिटी ऑफ वेव आपने पढ़ा, राइट। ये इंटेंसिटी का इक्वेशन था। इसके बाद ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेव के बारे में बताता है। ओके, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेव के बारे में ये अपन को बताता है। ठीक है राजवर्धन जी, ये देखिए मैंने यहाँ पर y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, ठीक है, उसके बाद ये लिखा था आपको और फिर इसके बाद डायरेक्ट इक्वेशन लिख दिया था मैंने, राइट ना। मैंने बोला था कि आप पहले पढ़ चुके हो इसीलिए इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आज मैं साइड में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट। मैंने बोला था इसको थोड़ा सा पढ़ करके आइएगा। कहाँ पर? लाइट का इंटरफेरेंस यदि पढ़ करके आए होंगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज जो अभी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको इसको समझने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। समझने की जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा और पीछे चले जाइए एक बार और इसको देखिए जरा। यहाँ पर हमने क्या किया? दो वेव लिया अलग अलग, ठीक है। y1 इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, y2 इज इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव। फाइव क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स, है ना। फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स, इस दोनों वेव का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। एम्पलीट्यूड जो है ना डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी सेम है, राइट। ओमेगा सेम है, पीरियोडिक टाइम सेम है। ओके ठीक है जी। तो अब ये दोनों क्या है? एक ही डायरेक्शन में एक ही लाइन पर मूव करता है, एक ही डायरेक्शन में एक ही लाइन पर मूव करता है। मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों एक ही है, ठीक है। ओके जी, एक ही लाइन पर जब मूव करता है तो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे पर सुपरइम्पोज्ड होंगे, सुपरिम पोज्ड होंगे। तो अपन ने ये माना कि किसी पोजीशन x इज इक्वल टू जीरो पर, x इज इक्वल टू जीरो पर ये वेव सुपरिम पोज्ड होता है, ठीक है। ये वेव क्या होता है? सुपरिम पोज्ड होता है, राइट। तो जब x इज इक्वल टू जीरो पर ये वेव सुपरिम पोज्ड होगा तो उसका इक्वेशन मॉडिफाइड हो जाएगा, x जीरो हो जाएगा। तो y1 is equal to a1 sin omega t and y2 is equal to a2 sin omega t plus i हो गया, राइट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि at x is equal to zero एम्पलीट्यूड मीडियम पार्टिकल का a1 है और इसके कारण एम्पलीट्यूड a2 है, ठीक। A टू, अब इसका मतलब ये हुआ बंधुराज, ये हुआ कि जैसे मान लो यहाँ पर x इज इक्वल टू जीरो ये स्टार्ट किया आपने, है ना, x इज इक्वल टू जीरो पर।
तो एक वेव जो है ना उसके कारण इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड A1 है, समझे। और दूसरा वेव जो आया, ठीक है, दूसरा वेव जैसे कलर चेंज करके बोलता हूं मैं, मान लीजिए ये वेव आया, ठीक, तो इसके कारण एम्पलीट्यूड यहां पर क्या हो गया, A2 हो गया, A2 हो गया। आ समझ में, ठीक है। तो दोनों के कारण जो एम्पलीट्यूड होगा वो इस दोनों के रिजल्टेंट के इक्वल होगा, राइट, रिजल्टेंट के इक्वल होगा, ठीक है। इसीलिए अपन ने क्या किया, इसको सुपरिम्पोज्ड कराया, एक दूसरे पर सुपरिम्पोज्ड कराया, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा भाई, दोनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है, ओके, राइट ना। तो देखिए जरा, अब यहां पर y1 क्या है, a1 साइन ओमेगा टी, और y2 क्या है, a2 साइन ओमेगा टी, ठीक है, a1 साइन ओमेगा टी, a2 साइन ओमेगा टी, राइट। अब इसका सुपरपोजिशन करने पर रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन ये आता है, रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये आता, कैसे आता, थोड़ा 2 मिनट में देख लीजिए, है ना, एक 2 मिनट में इसको देख लीजिए। सुधांशु, A1 साइन ओमेगा टी है ना, प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस आई, राइट। अब A1 साइन ओमेगा टी और इसका एक्सपांसन कर दो, तो A2 साइन ओमेगा टी, राइट ना, और क्या हो जाएगा, कॉस फाई प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई, होगा कि नहीं होगा, है ना। अब दिस कैन आल्सो बी रिटेन एज, अब साइन साइन वाले को एक साथ लिख देते हैं, समझे, और कॉस कॉस वाले को एक साथ लिख देते हैं, तो यहां पर देखो A1 साइन ओमेगा टी और ये साइन फाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, A1 साइन ओमेगा टी प्लस, देखना जरा, प्लस A2 साइन फाई, ओके, A2 साइन फाई, ठीक है। और क्या करेंगे, A2 साइन फाई, राइट ना, ये एक साथ लिख दिया, एक साथ मतलब कैसे लिखेंगे, A2 साइन फाइव, थोड़ा रुको जरा, ये देखिए A1 साइन ओमेगा टी, A1 साइन ओमेगा टी और ये साइन ओमेगा टी है ना, ये इसको इस तरह से ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं अपन एक साथ, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, A1 साइन, और सिंपल कर दो जरा, ठीक है, क्या कर दो, साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लो इधर, साइन ओमेगा टी, ठीक है, और A1 प्लस A2 कॉस फाई, राइट, A1 प्लस A2 कॉस फाई, ठीक है, और फिर कॉस ओमेगा टी, ठीक है, कॉस ओमेगा टी, और इन ब्रैकेट लिख देते हैं यहां पर, इन ब्रैकेट A2 साइन फाई, ठीक है, राइट। अब थोड़ा सा वीडियो गेम खेलते, समझ गए ना, थोड़ा सा
वीडियो गेम खेलते हैं यहाँ पर क्या कर देते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट, इसको हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं ए साइन थीटा। ठीक, तुम बोलोगे ऐसा क्यों लिखेंगे भाई, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, दिस कैन बी रिटेन, ऐसा हम लोग लिख सकते। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप जानते हो कि साइन 30 इज इक्वल टू, साइन 30 इज इक्वल टू 1/√3 cos 30 लिख सकते ना, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बोलो। साइन 30 इज इक्वल टू 1/√3 cos 30 लिख सकते ना, है ना, इसीलिए अपन इसको ऐसा लिख सकते। ठीक है, हाँ, कोई ठीक कुछ बोल रहा, बोलो, किसी को कोई डाउट वाउट हो तो सांगो, है ना, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बोलने का, नहीं तो ए कॉस थीटा इज इक्वल टू a1 + a2 कॉस फाइ अपन लिख सकते। ठीक है, एक नंबर या तीन नंबर होगा ये, ठीक है, और ए साइन थीटा इज इक्वल टू a2 साइन फाई लिख सकते हैं, चार नंबर। ठीक, अब क्या करेंगे भाई, देख ना जरा क्या करेंगे, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा यदि अपन ऐसा लिख सकते हैं, तो दिस वाई, ये तो वाई ही है ना, नहीं है, y इक्वल टू अपन लिख रहे थे, है ना राजवर्धन जी, आदित्य, तो ये क्या हो गया, साइन ओमेगा टी इनटू ए कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इनटू ए साइन थीटा। ठीक है, तो y इक्वल टू तेरा क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा t प्लस थीटा। ओके, एक बात हो गई, राइट ना, अब दूसरी बात क्या हो गई, देखो यही लिखा ना अपन ने, यही लिखा y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस थीटा, तो कैसे आया, तो ऐसे आया, ठीक है, ऐसे आया, वो एक्सप्लेन कर लिया अपन ने, राइट। अब एम्पलीट्यूड ए का वैल्यू कैसे आया, तो 3 और 4 को देखो, टेक 3² + 4² राजवर्धन, टेक 3² + 4² अंतरा पर डे लेट आ रही है, सर करूंगा उसका, टेक 3² + 4² राइट। तो यहां पर देखो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे, है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सादिया मुलानी क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा रे भाई, a1 + a2 cos φ² a2 सांगो साइन फाइ होल स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूं, बहुत हो गया, है ना, a1 स्क्वायर + a2 स्क्वायर, और लिख दू क्या, चल लिख देता हूं, cos²φ + sin²φ + 2a1a2 cos φ। अब ये भी वैल्यू
स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव। अब आ गया समझ में, ए वन ए टू कॉस फाइव। वेदिका वेदिका गड़बड़ हो रही है, साक्षी का गड़बड़ हुआ, सोहन का गड़बड़ हुआ, ठीक है। तो जिसके भी नेट डिस्टर्ब हो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आज ये सब यूट्यूब पे डाल देता हूँ, नो टेंशन। टेंशन क्या है ना ही, तो इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ वेव रिजल्टेंट वेव क्या हो गया, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू कर देता हूं मैं, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, ठीक है, आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। वैसे आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का वैल्यू वन लेते हैं, इसीलिए ऐसा लिखते हैं। समझ गए, ओके। कोई सर थोड़ा सा बड़ा लिखिए, ओके आर्यन, ठीक है, चलेगा। थोड़ा सा बड़ा लिख दीजिए, ये हो गया थोड़ा बड़ा है, ये ले बड़ा हो गया, राइट। आप बोलिए तो आर्यन पाटिल जी, कभी कभी तो आप बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। राय आ जाइए, तो आई इज इक्वल टू, देख कितनी प्यारी बात है आई, है सुबह सुबह आई बजा रहा हूं मैं, है जिसने मम्मी का नाम सुबह सुबह जपा ना वो तर जाएगा रे। I is equal to, तो क्या हो जाएगा, बोलिए a square में a one square plus a two square plus two a one a two cos five, ठीक है। आर्यन पाटिल जी ये इंटेंसिटी हो गया, राइट। अब देखिए जरा सा यहाँ पर, ठीक, अब कुछ स्पेशल केसेज होंगे, है ना, कुछ स्पेशल केसेज, राइट। तो यहीं पर लिखिए जरा स्पेशल केसेज, ठीक है, केस नंबर वन, इफ टू वेव्स रीच्ड एट पॉइंट, एट एनी पॉइंट अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो अपन एक्स इक्वल टू जीरो से आजाद हो जाएंगे, एट एनी पॉइंट इन सेम फेज, ठीक है, इन सेम फेज। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ भाई, क्या हुआ नम्रता, इसका मतलब ये हुआ नम्रता कि जैसे मान लो ये कोई पॉइंट एक्स है, मतलब कोई वेव है वो इधर से आ रहा है और यहाँ पोजीशन एक्स है, ये जीरो भी हो सकता,
जैसे कि तुमने अभी डराइव किया x इज इक्वल टू जीरो लेकर के, ठीक है, ये जीरो भी हो सकता है। तो इसी पोजीशन x पर एक वेव आया, कैसे आया, उसका ये पार्ट आया, ऐसा वाला पार्ट आया, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे जा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा वाला पार्ट आया। ओके, अब यहां समझना जरा। तो इस वेव का एम्पलीट्यूड A1 है, एम्पलीट्यूड क्या है, A1। अब दूसरा वेव जो आया सुधांशु, जरा देखना यहां पर, यदि मान लो दूसरा वेव कैसा हो सकता है, तो देखिएगा जरा, मैं जरा कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है। तो मान लो दूसरा वेव ऐसा हो सकता है, ऐसा वाला वेव हो सकता है, ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ओके। यहां पर उसका भी एम्पलीट्यूड जो है ना, एम्पलीट्यूड A2 है, ठीक, ये वाला पार इतना छोटा पार होगा, इसका एम्पलीट्यूड कितना, ये इतना बड़ा है, यहां से यहां तक ये एम्पलीट्यूड किसका है, A1, और ये एम्पलीट्यूड किसका है, इस वेव का, ओके। अब ये वेव ऐसे ऐसे जा रहा था, ठीक है, ऐसा ऐसा जा रहा, राइट। अब इस दोनों के बीच, अब इसका भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और इसका भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इसमें फेज डिफरेंस क्या हो सकता है, बोलो। सेम फेज में आया, इसका मतलब ये हुआ कि फेज डिफरेंस जो है ना आए, वो जीरो हो सकता है, ठीक है, जीरो हो सकता, वो 2π हो सकता है, ठीक है ना, राइट ना, वो क्या हो सकता है, 2π हो सकता है, वो 4π हो सकता है, वो 6π हो सकता है, वो 8π हो सकता है, डैश डैश 2n या 2πn हो सकता है, ठीक है, राइट ना। तो फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस बोलिए क्या हो सकता है, तो ये सब हो सकता है। अब आपको हमने सिखाया पाथ डिफरेंस क्या हो सकता है, अरे पाथ डिफरेंस यार क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि किसी टी टाइम पर इस वेव ने, ये वेव ने यहां पर देखना जरा, लैम्डा डिस्टेंस का मान लिया हमने, लैम्डा डिस्टेंस कवर किया, तो ये वेव भी लैम्डा डिस्टेंस कवर किया हुआ होगा, ठीक है, ओके। शायद समझ में नहीं आया होगा, मैं 2 मिनट में बताता हूं, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो सकता है, जीरो, ठीक। अच्छा, यहाँ फॉर्मूले से कैच कर लेना थोड़ा सा, राइट ना, यहाँ पर आप लोग ना फॉर्मूले से कैच करना थोड़ा सा, ताकि वो बीच में बताने लगूंगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2π इनटू फेज डिफरेंस होता है, समझ गए, क्या होता है, फेज डिफरेंस, राइट, फेज डिफरेंस होता है, ठीक, राइट ना। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2π इनटू आई, ये फार्मूला याद रखिएगा पाटिल जी, ठीक है, ओके। तो मामला बन जाएगा, अब आप यहां पर ना इजीली समझ सकते हैं पाटिल, ठीक है, ये पाथ डिफरेंस जीरो हो तो जीरो, लैम 2
सॉरी मतलब 6 पाई है तो 3 लैम्डा है ना, 4 पाई है सॉरी 8 पाई है तो 4 लैम्डा डैश डैश। यदि फाई का वैल्यू 2 पाई एन लिखेंगे तो यहाँ पर एन लैम्डा होगा, ठीक है एन लैम्डा होगा राइट। और एन क्या है, एन क्या है इंटीजर वैल्यू, एन इज इंटीजर वैल्यू दैट इज 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश है ना ओके। तब ऐसे कंडीशन में ऐसा यदि सिचुएशन बनता है तो फिर सुधांशु बाग जी आ जाइए इधर, इधर एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos phi है ना। अब इस सब वैल्यू के लिए cos phi जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा cos phi equal to cos 0 is equal to 1 है कि नहीं, is equal to 1। इसीलिए amplitude is equal to a1 plus a2 हो जाएगा, that is maximum value, maximum ठीक है राइट ना। और फोर्स इंटेंसिटी I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a1 plus a2 all square है ना, दिस इज आल्सो मैक्सिमम वैल्यू ठीक। ऐसे इंटरफेरेंस को सच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है क्या कहलाएगा जी राइट ना, सच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज कॉल्ड बोलो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है कंस्ट्रक्टिव ओके इंटरफेरेंस, ठीक है मतलब इंटेंसिटी जहां मैक्सिमम होगा इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव कहलाएगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा ओके। अब देखिए मतलब एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा ओके जी। अब यहाँ पर थोड़ा सा सेकेंड केस देख लेते हैं, सेकेंड केस देख लेते हैं, केस नंबर 2 ओके। केस नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग राइट, तो देखिए जरा केस नंबर 2 व्हेन 2 वेव्स सुप्रीम पोज्ड एट एनी पोजीशन, एट एनी पोजीशन एक्स विद ठीक है विद आउट ऑफ फेज, विद आउट ऑफ फेज
गया कि उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है ना, ठीक है, फेज डिफरेंस वो कितना है, पाई है, 3/4 ऐसा, ठीक है। मींस हाई इज इक्वल टू क्या है जी, पाई, 3/5 5/ डैश डैश 2n-1π, ठीक है, 2n-1π, ओके। यहां पर आप लोग थोड़ा सा वही वाला स्टाइल, n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे तो माइनस लिखेंगे, n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे तो प्लस लिखेंगे, और कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी, यहाँ प्लस लिख लो कोई बात नहीं, ठीक है, बस ध्यान देने वाली बात। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा सुधांशु भाई, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, देख जरा फॉर्मूला आपको याद होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 है ना, लैम्डा बाय 2, ठीक है, बोल सर, 2n-1π होना चाहिए, वही तो सुनाया अभी, प्लस लिखा आपने, ओ मेरे जान, मैंने क्या सुनाया अभी, नहीं सुना क्या, यहाँ n का वैल्यू 0 लेगा तो प्लस लिखेगा, ठीक है, 0 लेगा तो 1 लेगा तो माइनस, हाँ ठीक है। तो अभी n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट किया था, 0 से सर, हाँ, इसीलिए क्या लेंगे, प्लस, हाँ ठीक है। वहां पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या बोला था कि 0 ऑर्डर डार्क नहीं होता है, बोलो, 0 ऑर्डर डार्क नहीं होता है, इसीलिए जब डार्क के लिए कंडीशन बनाते हैं तो -2n-1 लेते हैं, क्यों, क्योंकि n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और डिफ्रैक्शन पैटर्न सिखाया था, बोलिए, राइट ना, डिफ्रैक्शन पैटर्न सिखाया था, उसमें क्या बोल दिया था, बोलिए मेरे बादशाह जल्दी, तो n का वैल्यू यदि 1 से 1 लेंगे, राइट ना, तो यहाँ प्लस लिखेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर, जल्दी बोल, आपकी, यस सर, ओके, राइट ना, तो बुक में यदि माइनस लिखा हो तो भी बल्ले बल्ले, मतलब n का वैल्यू कहां से स्टार्ट किया उसने, 1 से, क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो बाय 2 5λ/2 डैश डैश 2n-1 या प्लस 1, फिर से बोल रहा हूं, λ/2, ठीक है। देन इन दिस केस cos 5, शॉर्ट में कर रहा हूं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर ऑल दिस -1 है ना, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड a1-a2, क्या हो जाएगा, a1-a2, दिस इज मिनिमम, ओके, और i क्या हो जाएगा, a1-a2 होल स्क्वायर, दिस इज आल्सो मि
इक्वल टू ए टू हो, ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू ए मान लिया, नहीं ये समाध है लिख दे, ठीक है राइट ना जी। तो फिर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। और ऐसे इंटरफेरेंस को क्या बोलेंगे बोलो, ऐसे इंटरफेरेंस को क्या बोलेंगे राजवर्धन, महक, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वेरी गुड राइट ना। सच टाइप ऑफ, सच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज कॉल्ड, ठीक है क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस राइट ना। ऐसे इंटरफेरेंस को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, इस तरह से ये थ्योरी इंटरफेरेंस की हो गई। अब देखो जरा सा, अब इसकी मीनिंग सीनिंग समझेंगे यार अपन, है ना। ओके राइट, अब जरा चलिए, अब जरा चलिए, आपसे कोई कहता है एक वेव ऐसे बना हुआ, एक पल्स ऐसा बना हुआ है, ठीक है, और एक पल्स जो है ना ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, समझे क्या राइट। तो तेरे से यहां पर बोलेगा, तेरे से बोलेगा सुधांशु कि ये एम्पलीट्यूड जो है ना, ये एम्पलीट्यूड इसका जो है राम जी रो, जरा देखिए इसका क्या है सुधांशु, 5 सेंटीमीटर और सुधांशु इसका ये कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो वेव बनेगा, ठीक है, यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेव बनेगा, रिजल्टेंट वेव इसके सुपर पोजिशन के कारण, तो उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, बोल जल्दी फटाफट कितना हो जाएगा। दोनों कैसे है, दोनों वर्ब कैसे यहाँ पर सेम फेज में है ना, ठीक है। तो कैसा इंटरफेरेंस बोलो, अंतरा मुद्रा, कैसा इंटरफेरेंस होगा यहाँ, अच्छा दिख नहीं रहा है, तो दिख नहीं रहा है तो स्पीकर ऑन कराइए और सांगाइए। अब देखना जरा, अब दिख रहा है, रुचा बोल रही है कंस्ट्रक्टिव, अनुराग बोला कंस्ट्रक्टिव, हाँ तो सांगो अब अंतरा मुद्रा कुठे गेली मान से, कंस्ट्रक्टिव, सादिया बोली कंस्ट्रक्टिव, पाटिल जी बोलिए, महक बोल रही कंस्ट्रक्टिव, राजवर्धन बोल रहा कंस्ट्रक्टिव, हाँ और बोलिए फटाफट,
शर्माने का नहीं। वरना वो गाना गाऊंगा, वो क्या कहते हैं गाना नहीं है, तेरा शर्माना गजब हो गया, ऐसा कोई गाना है ना। ओके आर्यन, बिल्कुल आर्यन, सब बात ठीक है। ओके प्रणाम मोरे जी, समृद्धि समृद्धि नहीं है। श्रावणी श्रावणी एंड श्रावणी, अरे वाह समृद्धि भी है, वेरी गुड ठीक। तो देखिए जरा ये 5 + 3 8 सेंटीमीटर हो गया, गुड 8 सेंटीमीटर। और कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया है ना। इसी तरह से यदि मान लीजिए कि यहाँ पर एक वेव किसी पोजीशन पर एक वेव ऐसे पहुंचता है और दूसरा वेव जो है ना, दूसरा वेव इस पोजीशन पर एक्स पोजीशन पर या इसका एम्पलीट्यूड है 8 सेंटीमीटर और दूसरा वेव ना कैसे पहुंचा जानते हो, ऐसे पहुंचा, उसका ये वाला पार्ट पहुंचा राइट, और उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है 5 सेंटीमीटर। ओके तो रिजल्टेंट वेव कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा नहीं बनेगा ए। और ये कैसा रिजल्टेंट कैसा होगा, इस पोजीशन पर ऐसे हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, तो 8 - 5 = 3 सेंटीमीटर। और इंटरफेरेंस कैसा हुआ, डिस्ट्रक्टिव ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। ओके अब देखो, वेरी गुड शाबाश। अब जरा देखिए, मान लीजिए ठीक है, एक बार मेरा कहा मान लीजिए और इस क्वेश्चन को देख लीजिए, y1 = 5 sin 100 pi t ठीक है, -0.8x हाय राम जी, एंड y2 = 3 cos 100 pi t - 0.8x ठीक है। सुप्रीम पोज्ड ऑन वन एन अदर एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर राइट, find intensity of resultant wave at that point ठीक है, at that point सांगिए जरा लाउकर, Do it fast please, जरा जल्दी जल्दी
तारिया देखो A1 इज इक्वल टू 5 है, A2 इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पर क्या है साइन, इकड़े क्या है कॉस, राइट ना, और सारी चीजें सेम सेम है ना, और सभी चीजें कैसे सेम सेम, मतलब क्या होगा इंटरफेरेंस, ठीक है। 5 की थी एज डिफरेंस, 5 कितना 90 डिग्री, 5/2, ठीक है, 5/2, ओके। तो आप ही बताइए क्या हो जाएगा, बोलो जरा, A इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2 cos phi होगा कि नहीं, बोलो। अब cos 90 इज इक्वल टू कितना होता है 0 है ना, यहाँ पे लिख देंगे cos 90 इज इक्वल टू 0, तो A इज इक्वल टू सांगो कितने A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, बोलिए पाटिल जी इजी है कि नहीं है, है ना, ओके। अरे वाह, किसी ने तो आंसर भी ला के रख दिया यार, हम तो पीछे हो गए, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ये क्या हो गया एम्पलीट्यूड, कितने जाना 25 और 9 कितना था 34 होता क्या, मेरे को नहीं आती भाई, ठीक है 34, 25 और 9 राइट ना। अब देखो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड तो ये आ गया यार इंटेंसिटी, I इक्वल टू क्या होता है A स्क्वायर, तो ये 34 यूनिट भी यूनिट नहीं है तो यहाँ यूनिट ही लिख देंगे, इंकलाब जिंदाबाद है कि नहीं है, ओके। अरे कुछ तो बोलिए, वेरी गुड, थैंक यू सादिया, रुचा, महक एंड सोहन, ओम जादव जी अब आजकल आपके मैसेज नहीं आ रहे, क्या बात है, ठीक है। अब देखिए एक इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूं 2 मिनट में, इंस्ट्रूमेंट का नाम है क्विंक ट्यूब, क्या नाम है क्विंक ट्यूब, राइट। अब देखो प्यारे क्या होता है, ठीक है ना, क्विंक ट्यूब, ओके। देखो अब यहां इसको हटाता हूं, क्विंक ट्यूब लिखता हूं, क्विंक ट्यूब, राइट, यही क्विंक ट्यूब शादी विवाह की भविष्यवाणी करने में यूज होता है, ठीक है, ओके। तो देखिए जरा आज ये कैसे होता है, तो 2 यूट्यूब होते, क्या होते हैं यूट्यूब, देखो क्या मस्त चीज है यूट्यूब। अब राजवर्धन, राजवर्धन ये ऐसे एक यूट्यूब दूसरे यूट्यूब में बंद होता है, समझे क्या, ये ऐसा होता है,
बने हुए रहते हैं। क्या बने रहते हैं? स्केल बना हुआ रहता है, दूसरे कलर से बना देता हूँ ऐसा यहाँ। अरे राम राम राम, गड़बड़ हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये मान लीजिए जैसे जीरो पर, अब ये वन टू थ्री फोर ऐसा, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसे स्केल बने हुए रहते हैं। ठीक, अब तुमने इसको ऐसा किया, इसको दूर किया, समझे? तो यहाँ पर और क्या क्या होता है जरा मैं आपको बता देता हूँ पहले। ठीक, उसके बाद अपन बात करेंगे। ठीक है ना? राइट, अब देखो जरा सा। ओके, ये देखिए, ये ऐसा यहाँ पर एक ऐसा वो बना हुआ रहता, यहाँ पर भी ये कैसे बने रहते। ठीक है, अब यहाँ पे देखना जरा, राम जी के नाम पर, किसके नाम पे? राम जी के नाम पर। ओके, अब देखो क्या हो गया, इसको एक चीज थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर लेता हूँ यार, ये मजा नहीं आया। अब इसको ना यहाँ पे ऐसे करते हैं। ओके, हरे नामा हरे कृष्णा। जरा देखिए यार, मेरा अप्रेंटिस सही नहीं होगा तो हमको हमारे यहाँ कोई भविष्यवाणी करने आएगा क्या है? तो देखो जरा यहाँ पर, अब बन गया ये क्विंक ट्यूब, राइट। देखिए अब यहाँ से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्या साउंड वेव प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, चिल्लाएंगे, राइट। ठीक है, यहाँ साउंड वेव प्रोड्यूस करेंगे तो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी जो तुम प्रोड्यूस करोगे वही होगा, फ्रीक्वेंसी सेम। अब यहाँ जब साउंड आएगा तो ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा, कुछ पार्ट इधर जाएगा कुछ पार्ट इधर जाएगा। इधर जाने वाला साउंड मान लो सुधांशु एक्स वन डिस्टेंस कवर किया, क्या एक्स वन डिस्टेंस कवर करके इसमें ऐसे फिर यहाँ आया और यहाँ से ये बेचारा बाहर निकल गया, राइट। ओके, क्या डिस्टेंस कवर किया? एक्स वन। अब यहाँ से ये वाला जो साउंड पार्ट आया ना वो एक्स टू डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है राजवर्धन, देख या तुमने साउंड प्रोड्यूस किया, ठीक है, जो प्रोड्यूस करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी सेम, साउंड की वेलोसिटी भी इज इक्वल टू एफ लैम्डा और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ, है ना। मतलब दोनों साउंड के लिए ओमेगा सेम, लेकिन ये अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, अब जरा सोचो भाई, पैसा कमाने का बेहतरीन धंधा, ठीक है, बेहतरीन चीज बता रहा हूँ तेरे को, समझ गए, राइट ना। तो यहाँ पर जरा देख, एक्स वन माइनस एक्स टू मतलब पाथ डिफरेंस, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय टू वेव्स, है ना, पाथ डिफरेंस, राइट ना, दिस इज डेल्टा एक्स,
डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यदि मेरे भाई यहाँ पर क्या हो तुम्ही बता, जीरो हो, ठीक। अब ये पाथ डिफरेंस क्या हो सकता है, ये सेट कौन करेगा, तुम सेट करेगा, राइट ना, किससे, ये तेरा स्केल है, इस स्केल से सेट कर लेगा। जीरो हो सकता है, लेमडा हो सकता है, टू लेमडा हो सकता है, थ्री लेमडा हो सकता है, डैश डैश एन लेमडा होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा, साउंड ज्यादा सुनाई देगी, ठीक है। यहाँ बोलेगा पिंकी तो यहाँ भी जोर से सुनाई देगा पिंकी, ठीक है। मतलब क्या हो गया, पिंकी की शादी पक्की हो जाएगी, ठीक है, राइट ना। अब तेरे को उससे की शादी नहीं करवानी है तो क्या कर देगा, ये वेवलेंथ में चेंज कर देगा, ठीक है, उसकी मम्मी से पैसा ठकना है, राइट ना, तो फिर पिटूर करेगा। यदि मान लीजिए ये क्या है, लैम्डा बाय टू, थ्री लैम्डा बाय टू, फाइव लैम्डा बाय टू, ठीक है, राइट ना, डैश डैश बोलिए टू एन प्लस वन लैम्डा बाय टू, ठीक। तब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी आई मैक्सिमम होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आई मैक्सिमम होगा, ओके। अब यहाँ देख, दो वेव ही एक दूसरे को स्प्लिट किया ना, इस पॉइंट पर एक पार्ट उधर गया, एक पार्ट इधर गया, ठीक है, तो दोनों के एम्पलीट्यूड सेम, ए वन ए टू सेम है ना, तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जयराम जी की जीरो, या थोड़ी सी आवाज डिस्टॉर्शन वगैरह के कारण सुनाई दे देगी, ठीक है। तो आई क्या होगा यहाँ पर, मिनिमम, ओके। अब देखिए मेरे राज दुलारो, ठीक है, अब देख यहाँ पर, तो दिस क्विंक ट्यूब इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेवलेंथ ऑफ वेव, साउंड वेव, ठीक है, दूसरों से पैसा ठकने के भी काम आते हैं और स्पीड भी फाइंड आउट करने के काम आता है या वेवलेंथ निकालने के काम आता है, ओके भाई, ठीक है। तो आज के बाद इंटेंसिटी का मजे लीजिए, दोनों को कंबाइंड कीजिए, मतलब दोनों थ्योरी जो अपन ने पढ़ा है ना, कहाँ पर, ऑप्टिक्स में, ऑसिलेशन में, और यहाँ पर पढ़ा आपने, और सभी क्वेश्चन एक साथ बनाइए, मजे लीजिए। कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे बीट, ओके। तो आज की मुलाकात बस इतनी, जय हिंद।